आप कैसे आई फील्ड में? और जब आप फील्ड में आ रही थी, हादसाती तौर पर आई, और जब आप फील्ड में आई तो आपको था कि आप माशाल्लाह से इतना लंबा टाइम आप ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिस कैपेसिटी में, जिस रोल में जाएंगी आप, यू एस इट? बिल्कुल भी नहीं. इट वॉज टोटली अ कोइंसिडेंस. मेरी फ्रेंड के लिए एक मॉडलिंग की थी. वो सोच के कि चलो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, तस्वीरें खींचेंगी और दैट्स इट. उसके बाद मुझे फ्रेंड कौन थी? आप कराची में होती थी? हाँ, मेरी फ्रेंड कराची में होती थी. सो हमने ऐसे ही किया, हम लोग मिलके ना कुछ डिज़ाइनिंग का शौक हुआ हमें कि हम कुछ कपड़े बनाते हैं. तो जब हमने मॉडल्स की सर्च करनी शुरू की तो उस टाइम पे अनीता युग थी मॉडल और एक दो और थी जिनका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा. तो उन्होंने चार्ज बहुत ज़्यादा किया हमसे. तो हम ज़रा लो पैर उस पे जा रहे थे, लो बजट बजट. अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स हम आपके सामने लगा भी रहे हैं. ओह माय गुडनेस, माय गॉड, हसीन. ये कहाँ से मिली वदिया तुम्हें? ये बस देखें, ज़बरदस्त. ये मुझे ज़रा, मैं सामने इस टाइम के वाले से पूछूंगी भी कि ये कौन से टाइम है, ये बिल्कुल आप वो टाइम पे जो आप बिल्कुल शुरू शुरू में नहीं आई थी या फिर आगे जाके टाइम आया था? आई मीन लुक एट यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त. वाओ वाओ, ये हमेशा से हसीन थी भाई, हमेशा सिंस ऑलवेज. तो उसी में वो मतलब फिर आपने फिर जब ये सारी मॉडल थी, और खैर उस वक्त तो बहुत कम मॉडल्स थे, ऑफ कोर्स मैं आपका नाम भी था, इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो वहाँ पर चंद ही एक दो ही मॉडल सामने आती हैं. तो फिर उन्होंने चार्ज ज़्यादा किया तो आपने कहा कि चलो हम खुद ही कर लेते हैं, हम खुद कर लेते हैं. तो इस तरह मेरा ये मॉडलिंग फील्ड में मैं एंटर हुई हूँ. और फिर मैंने हिना के साथ भी मॉडलिंग की है. हिना, रिमेंबर? हिना ने आपको करवाई थी? एग्जैक्टली यार, आई स्टार्टेड डूइंग अ शो, वो मेरा पहला शो था. मैं भी बाई डिफॉल्ट फंस गई थी उसमें, क्योंकि कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया, शो डिज़ाइन कर दिया, अब उसकी होस्टिंग कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि वो तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था शो. सो सीमा ताहिर, जिनको मैं कहती हूँ ना हमारी बहुत सारे लोगों की टीवी मॉम है वो, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें बिठा दिया. और फिर एक हमने प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया, हमने कहा उसके लिए तो ये परफेक्ट. सो हमने कैलेंडर भी किया था, कैलेंडर भी किया था. आई स्टार्टेड बेसिकली पुटिंग थिंग्स टुगेदर, कोऑर्डिनेटिंग देम, प्रोड्यूसिंग देम. तो कैलेंडर की शूट भी की. फिर वही होता था ना कि जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो चलो खुद भी बीच में मॉडलिंग कर लो, थोड़ा बजट कम है. तो तुम्हारा वही सवाल है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी. ये फॉर फन सेक हुआ था सब कुछ. जब मुझे मैगजीन से ऑफर्स आनी शुरू हुई तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा काम है कि आप कपड़े भी अच्छे पहने, आप अच्छे भी लगें, आपको पैम्पर भी किया जा रहा है, आपका मेकअप भी बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके पैसे भी मिल रहे हैं. घर वाले मान गए थे? घर वाले इतना इजीली तो नहीं माने, बट मेरे जो मदर साइड के लोग थे उनको बहुत ऑब्जेक्शन था, बट इन लॉज में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इवन हस्बैंड ने भी नहीं किया. मतलब जब आपने मॉडलिंग शुरू की थी उस वक्त आपकी शादी? मेरा जो बेटा था उस वक्त 10 साल का था. रुक जाए, यानी कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 10 इयर्स, मुस्तफा वाज 10 इयर्स, अली वाज आई थिंक 8 इयर्स ओल्ड, या जब मैंने स्टार्ट की थी मॉडलिंग. डबल मुबारक. मुझे लगा हो सकता है कि आपको आपकी मियां ने किसी फैशन शो में देखा, उनको बहुत पसंद आई, लेकिन नहीं जी. अब तो बच्चे मुझसे इतने बड़े लगते हैं, मैं कहती हूँ खुदा के लिए कुछ वेट कम करना शुरू करो अपना, मुझसे बड़े लगने शुरू हो गए हो आप लोग. अच्छा, तो बच्चे से बड़ा एंजॉय करते होंगे जब वो देखते होंगे? कभी देखा नहीं ना करें. नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं, शो बिज लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, इवन हस्बैंड भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई. बट जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती होंगी तो वो उनके वो जो टीचर्स वगैरह तो बहुत नहीं. देखो उस वक्त जो मैगजीन का दौर था ना, सोशल मीडिया नहीं था और टीवी कमर्शियल्स थे, दैट्स इट. तो इतना आपको इस हालत में तो पहचान लेंगे, बट दूसरी हालत में लोग नहीं पहचानते थे. एक छोटा सा मैं तुम्हें एक किस्सा सुना दूँ. मैं लाहौर जा रही थी फ्लाइट पर, मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते. कहती मेरी जो फेवरेट मॉडल है ना वो सीमी पाशा है. ठीक है, क्यों? नहीं वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो बहुत वर्सटाइल हैं, वो हर मेकअप, हेयर डू, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से कैरी कर लेती हैं. मैंने कहा ओके. तो मैगजीन लेकर आती हैं, उस ज़माने में हमारी PIA में मैगजीन्स आते थे, न्यूज़पेपर्स आते थे. मैग था, मैग तो PIA के उस भी मॉडल वो एक और कहानी, वो बहुत पुरानी कहानी सारी. आप पानी मांगे तो वो पूछते हैं दोबारा. वो मैगजीन लेकर आई, वो कहती है देखिए मेरी फेवरेट मॉडल कवर पेज पर आई है. मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही हैं. फिर मैंने जब मैं फ्लाइट से मैं निकल रही थी दरवाजे से, मैंने कहा आई एम सीमी पाशा, तो वही ऐसे थी. क्योंकि हम इस तरह पहले नहीं रहते थे, मेकअप के बगैर रहते थे. अब तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया ना कि बाहर निकलें,
तो कोई तस्वीर ना खींच ले, कोई थोड़ा सा, हम तभी भी वैसे ही हैं, मुंह धो के निकल जाए, हाँ मुंह धो के निकल जाए, तो वो इसलिए अच्छा, मेकअप भी, पर उसके बाद अब तो फिल्टर भी आ गया ना, मतलब अच्छा वाला मेकअप तो कर ही लिया, लेकिन उसके बाद अच्छा, फिल्टर अब तो पहचाने नहीं जाते लोग, बताए वो आती है, नई एक्ट्रेसेस आती है, उन्होंने पहले अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ होता है, वो आती है और वो वॉक इन करती है ऑडिशन के लिए और आप कहते हो वेयर इज शी, मैं हूँ, एंड यू आर लाइक ओके, यू नो इट्स लाइक एवरी सेकंड पर्सन, अब क्या चेंज हुआ है कि अब आवाज से पहचान लेते हैं लोग, मास्क पहन के जाती हूँ बाहर, स्पेक्स लगा कर जाती हूँ, तो कोई नहीं पहचानता क्योंकि बुरे हाल में ही रहते हैं, जाहिर सी बात है, डे वन से तो आवाज से पहचान लेते हैं, बिल्कुल ये चेंज आया है। अच्छा आप कैसे आए भाई, और मतलब डायरेक्शन में आपने नहीं सोचा कि नहीं मैं कैमरे के सामने ही रहूंगी तो बेहतर है, आपने कहा नहीं मैं मुझे तो जब कैमरे के सामने मैं गई थी कॉलेज के उसमें, बट मुझे तो उस दिन ही, जिस दिन व्हेन आई वेंट तो फर्स्ट डे ही था, मैं हमेशा बताती हूँ ऊपर जही खान साहब होते थे, बजिया का प्ले था एंड पीटीवी का मॉनिटर्स लगे हुए थे, सो एक्चुअली एंड दे टुक मी देयर एंड दे सेड कि वो लड़की बेचारी किसी को निकालना था, तो वो जो करे वो तुमने करना है, दैट वाज माय ऑडिशन एंड माय शूट, सो व्हेन आई एंटर्ड आई फेल इन लव विद दिस फील, I just went and I saw all those monitors and I saw Zaheer Khan sitting there ordering everybody. Maine kaha, this is my thing. I want to order people. I want to tell them what to do. And I don't want to be on the other side of the screen. So I did a few plays and everything and then I got into direction. And, you know. तो direction का लेकिन अपना ही वो एक मज़ा है। भी फिर scholarship मिल गई थी. We went to New York. जब आप एक दफा वो train हो जाते हो ना। New York का नाम ले। मैं please आमिर साहब। लेकिन देखो अच्छे लोग भी जाते हैं और अच्छा काम भी करके आते हैं। जो लोग मेहनत करके आते हैं। New York मैं सुन रही हूँ मुझे कल का message आया। अच्छा ये आप लोगों की कुछ pictures भी हम share कर रहे हैं। अगर आप लोग बता सकें कि हैं कहाँ की pictures हैं। ये कौन से मौके के पीछे मेहंदी वाला हाथ लगा के बेटी की मेहंदी की है। और ये लाइला जाओ। बहुत कमाल एक्ट्रेस थी है। ये अभी रीसेंट हमारी लास्ट वीक की है सिमी के साथ। क्या बात है ना चिंगू। कितनी पुरानी दोस्ती माशाल्लाह से हमारी। हमारी बहुत। हम तो शुरू में फैशन शोज किया करते थे भाई। सिमी यूज्ड टू बी आवर टॉप मॉडल। अच्छा पहले ना टाइम में मॉडल्स भी वो हिनाशी डिफरेंट थी, मतलब होता था आपकी एक हाइट होनी चाहिए। अब तो मैं बहुत सी मॉडल्स को देखती हूँ तो वो मुझे हो रहा था कि नहीं इनकी तो वैसे हाइट ही नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मुझे हमेशा बचपन में कहते थे तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी है तो मॉडल बन सकती हो, तो मुझे था अच्छा मैं मॉडल बन सकती हूँ, मेरी हाइट अच्छी है। वो फर्क होता है, रैंप का अलग होता है, बिकॉज आई एम मॉडल बट आई एम नॉट रैंप हाइट एंड आई डेफिनेटली वाजंट सपोज्ड टू बी। वो ये होता था कि जो कोई चैरिटी शोज है, किडनी सेंटर बन रहा है या SOS का है कुछ, तो वो अम्मी अबू कह रहे थे कि हाँ करो मॉडलिंग, और वो भी हमारी टीचर्स थी, कभी मिसेस बलगरामी कर रही हैं तो कभी माहिना आंटी कर रही हैं, एंड आई यूज्ड टू से कि अब्बू आप पैसों वाला काम नहीं करने देते, वैसे मॉडलिंग करना था। लेकिन मुझे रैंप फ्रिज में बात है, मैं अभी भी रैंप की बात करूं। हां रैंप की जो होती ना हाइट एंड रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है, वो अब नहीं है ना, नजर नहीं आ रही। बट टीवीसी के लिए कुछ और होती थी, मैगजीन शूट्स के लिए कुछ और होती थी बैक देन। लेकिन अब वही मैं बात कर रही हूँ कि अब जो है वो मॉडल्स हमारी लाइक मैं उनको देख रही हूँ, वो 5'2" हाइट की भी हैं, उनकी हाइट्स जो है वो वैसी नहीं है जैसे हम सोचा करते थे कि अभी मॉडल। नॉट फॉर द कैटवॉक। हाँ हाँ कैटवॉक में मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही थी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बचाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम हमेशा की तरह रोज़ की तरह वैसे कोई एक खास वुमेंस डे नहीं होना चाहिए, एवरी डे शुड बी ए वुमेंस डे, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे घरों में जो खवातीन जो किरदार अदा कर रही हैं उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन को बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए और आपके सामने अच्छी एग्जाम्पल्स भी रखनी चाहिए ताकि आप लोग सीख भी सकें कि हाँ भाई डिग्निटी के साथ अपनी अपनी व्हाटसो एवर फील्ड में रहकर आप कैसे अच्छा नाम कमा सकते हैं। सो आई एम सो लकी कि हमारे सारे गेस्ट बड़े काबिल एहतराम हैं और आज जो हमारे तीन गेस्ट हैं उन्होंने ज़बरदस्त, अभी तो मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सीमिया आपा की जो दिखा रहे थे तस्वीरें दिखा रहे थे और उन्होंने बताया कि भाई ये तो उनकी शादी की बात की है, तो वो मतलब देखे ना ज़रूरी नहीं कि शादी से पहले लोग कहते ना कि बेटा बस अब तो जब आगे जाओगे ना तो फिर तो बस करियर ख़त्म हो जाएगा, और लोगों को लगता भी है कि शादी के बाद लड़की का करियर ख़त्म। नहीं, अगर आपके मियाँ अच्छे कॉपरेटिंग हो तो आपका करियर शादी के बाद भी शुरू हो सकता है। आप है ना जी, आप कैसे लैंड की इस प्रोफेशन में? बाय डिफॉल्ट कैसे आप किसी ने देखा क्या हुआ? नहीं, वो सबसे पहले तो यही हुआ था कि अगेन शादी के बाद हमारे बड़े पुराने फोटोग्राफर होते थे सैम जामिस जी,
बचपन की तस्वीरें भी उन्होंने खींची थी, शादी की भी उन्होंने खींची, एकदम का फोन आया ही ना, दे आर आस्किंग फॉर योर नंबर. मैं कही हूँ हु इज आस्किंग फॉर माई नंबर. उन्होंने मेरी तस्वीर अपने स्टूडियो में लगा दी. पहले तो मैं वहाँ लड़ी कि किससे पूछ के लगाई आपने मेरी तस्वीर, कि प्यारी पिक्चर्स उन्होंने लगा दी. सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज ऑफर TVC एंड आई सेड नहीं हो सकता ना, मतलब कभी इजाजत ही नहीं मिली, सवाल ही नहीं पैदा होता. बट माई हस्बैंड पुश्ड मी, नहीं 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 पूछो, करो करो करो, वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट. अबू से पूछा तो उनका पहला सवाल ये था कि तुम्हारा मियाँ क्या कहता है. मैंने कहा वो तो बहुत एक्साइटेड है. तो उन्होंने कहा अच्छा अगर वो ठीक है तो फिर कर लो. मैंने कहा क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए. इट वॉज लिटरली लाइक दैट.